हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू। सो आज जो है हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर सॉल्यूशन का, राइट। और इसमें जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक सब टॉपिक ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे, आइडियल सॉल्यूशंस का, राइट। तो यहाँ पे ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली आपका NCERT क्लास 12 यूनिट 2 का सब पार्ट है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और फिर और थोड़ा सा जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि द सॉल्यूशंस, द बाइनरी सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पूरे चैप्टर में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस, राइट। तो द बाइनरी सॉल्यूशन इन विच राउल्ट्स लॉ is followed upon the entire range of the liquid mixture। तो अगर आपने कोई लिक्विड लिक्विड मिक्सचर लिया है और उसमें जो है सारे पूरे रेंज पे जो है आपका वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, तो क्या होगा, वो क्लासिफाई किया जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। सो आपका जो पूरा का पूरा एंटायर रेंज है उस पर जो है आपका यहाँ पे जो है आइडियल जो है फॉलो कर रहा है, राइट, आइडियल सॉल्यूशन। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो प्रेशर ऑफ एनी गैस वो क्या होगा आपका, वो होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए। और प्रेशर ऑफ अगर मान लीजिए दूसरे गैस की अगर बात करें, सो वो आएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी के बराबर। और इसके अलावा जो आपका टोटल प्रेशर आएगा वो होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर। तो यहाँ पे जो है आपका ये पर्टिकुलर ग्राफ है जो आपका शो करता है कि आपका लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का प्रेशर जो है कैसे वेरी करने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका पी ए नॉट है, और ये आपका एंडिंग पॉइंट जो है ये पी बी नॉट है, राइट। सो यहाँ पे जो है आपका ये लीनियरली वेरी करेगा, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन में एक्चुअल में कंडीशंस क्या क्या है। तो कंडीशंस फॉर बींग आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन होने के लिए आपके क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आपका जो डेल्टा एच मिक्सचर होने वाला है वो होगा आपका जीरो, मतलब कोई भी आपका हीट जो है बेसिकली इवॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो हीट इज इवॉल्व as we mix A and B substances, right। तो ये आपका पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा मिक्सचर का वो बेसिकली आपका ज़ीरो होगा। इसका मतलब आपका जो V टोटल होने वाला है मिक्सचर का वो होगा बेसिकली वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ बी के बराबर। तो इसमें मिक्स करने पे कोई भी आपका वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। तो ये तो आपके बेसिक कंडीशंस होते हैं आपके किसी चीज़ को आइडियल सॉल्यूशन बोलने के लिए। अगर हम यहाँ पे मॉलिकुलर लेवल पे बात करें, सो एट मॉलिकुलर लेवल आपका द इंटरैक्टिव फोर्स, मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स, राइट, फोर्सेज ऑफ ए A and BB, that is pure components, मतलब दो कॉम्पोनेंट जो आपने लिए हैं वो दो A और B का, तो उसमें जो भी आपका एक A और दूसरे A पार्टिकल के बीच में और एक B और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो भी इंटरेक्टिव फोर्स है इज इक्वल टू द इंटरेक्टिव फोर्स या फिर अगेन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ए बी मिक्सचर। तो आपके बेसिकली जो भी इंटरेक्टिव फोर्सेस वगैरह में आया है उसमें कोई भी आपका चेंज नहीं आया है, कोई भी आपका डिविएशन नहीं आया है, तभी जो है आप मॉलिक्यूलर लेवल पे आप कह सकते हो कि ऐसे सॉल्यूशन को आप कहोगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो अगर मान लीजिए, लेट्स से ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मान लीजिए अगर ये आपके इक्वल नहीं होगा, तो ये दोनों जब कभी भी मिक्स होगा, अगर मान लीजिए आपका
ज़्यादा स्टेबल सॉल्यूशन बन रहा है, तो आपका जो है यहाँ पे डेल्टा एच हो आइदर ग्रेट, अगर स्टेबल बना तो आपका लेस देन जीरो होगा, और अगर अनस्टेबल बना तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। सो बेसिकली उस वाले केस में क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा एस जो मिक्सचर है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और वो आपका आइडल सोल्यूशन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर इंटरैक्टिव फोर्स ज़्यादा भी हों तो आपका यहाँ पर जो मिक्सचर है राइट, जो चेंज आने वाला है मिक्सचर का, तो ये वी ए टोटल भी आपका वी ए प्लस वी बी के बराबर नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटरैक्टिव फोर्स बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि मिक्सचर का वॉल्यूम जो है श्रिंक हो जाए, कम हो जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो इंटरैक्टिव फोर्सेस आपके कम स्ट्रांग हैं ए बी मिक्सचर में, तो वो आपका जो है वॉल्यूम आने वाला है वो इंटरैक्टिव फोर्सेस जो है आपके कम है, तो इसलिए वो ओवरऑल जो है वॉल्यूम हो सकता है ज़्यादा आ जाए, राइट। तो वो आपका डिविएशन होगा इस पर्टिकुलर आइडियल सोल्यूशन से। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, कि ऐसे कौन से ऐसे मिक्सचर हैं जो आपके इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ कहेंगे, सो यहाँ पे हम जो है तीन एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। सबसे पहला है आपका, अगर आपने एन हेक्सेन को और एंड एन हेप्टेन को मिक्स किया तो आपको आइडल के आइडल सॉल्यूशन मिल सकता है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल है आपने जो है ब्रोमो इथेन लिया और जो है क्लोरो इथेन लिया, तो इन दोनों का मिक्सचर भी आपका क्या है आइडियल सॉल्यूशन कहला सकता है, और थर्ड है आपका बेंजीन जो कि बेसिकली C6H6 राइट, एंड आप बोल सकते हो टाउलिन राइट। तो यहाँ पे जो है आपके इन सारे केसेस में आपके क्या होंगे आइडियल सॉल्यूशन बनने वाले, जब कभी भी आप ये मिक्स करोगे तो इनका इंडिविजुअली जो भी इंटरेक्टिव फोर्स है वो आपके मिक्सचर के बाद भी आपको मोर और लेस सेम होने वाला है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।